नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत इस तरह से दिखती है। और दोस्तों, आपको जैसे मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे प्रत्येक यूजर्स को पंचायत के हर पोर्टल की जानकारी मिलती रहे, हर योजना की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, आपको यही पता है कि सब्सक्राइब करने से मेरे प्रत्येक नए वीडियो, प्रत्येक नए अपडेट की आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर मेकर लॉगिन से किस प्रकार से रिसिप्ट वाउचर बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी दोस्तों, चूंकि आपने मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं, वो सब प्रोसेस करने के बाद ही हम इस प्रोसेस पर अब आएंगे। जैसे आपने पुराने वीडियोज में देख चुके हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन को PFMS पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर किया जाए। उसके बाद दोस्तों, अभी मैंने बताया है वीडियो में कि आपको किस प्रकार से आपकी DSC जनरेट करना है मेकर लॉगिन से और चेकर लॉगिन दोनों से 15 फाइनेंस कमीशन के लिए, वो किस प्रकार से मैपिंग करना है आपको, वह सारी चीजें बता दी हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों, हम करेंगे मेकर लॉगिन से 15 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर बनाने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखकर रिसिप्ट वाउचर बनाने की प्रक्रिया सीखी थी, जो कि एडमिन लॉगिन से था। दोस्तों, एडमिन लॉगिन से तो हमने बना ही लिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो पेमेंट होता है वो किससे होता है, हमारे मेकर लॉगिन से। तो अब हम रिसिप्ट वाउचर किससे बनाना सीखेंगे, मेकर लॉगिन से। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं मेकर लॉगिन से। तो दोस्तों, ये भी याद रखिए, मैं आपको अभी कुछ दिन में ये वीडियो बताने वाला हूँ कि मान लीजिए यदि आपसे कुछ गलत रिसिप्ट वाउचर बन गया है ना, जैसे मान लीजिए आपका आपकी 15 फाइनेंस कमीशन की राशि आई और आपने रिसिप्ट वाउचर बना दिया 14 फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, तो अब यदि आपने मान लीजिए गलत रिसिप्ट वाउचर बना दिया है, तो उसको किस तरह से हम कैंसिल करें और सही तरीके से न्यू जो हमने हमें जो वाउचर बनाना है, रिसिप्ट वाउचर बनाना है, वो किस तरह से बनाए, तो वो प्रोसेस भी दोस्तों मैं आपको कुछ ही दिनों में बताने वाला हूँ। इसलिए आप मुझसे लगातार बने रहिए, वीडियोस को आप लाइक शेयर जरूर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉगिन ऑप्शन पर। चलिए, मैंने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक किया ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर, और दोस्तों अब हम लॉगिन करेंगे मेकर लॉगिन से। ठीक है, आपको सभी को पता है हमारे पास तीन लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो अब हम लॉगिन कर रहे हैं मेकर लॉगिन से। ये देखिए, मैंने लॉगिन किया, इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल देते हैं हम। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक हुई तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ लिखा गया फाइनेंशियल ईयर, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2020 और 2021, 2020-21। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया दोस्तों, तो मेकर लॉगिन का होम पेज आ गया। ठीक है, इस तरह से ये मेकर लॉगिन के अंदर है, हम मेकर लॉगिन के होम पेज पर आ गए हैं। अब दोस्तों, हमें जाना है यहाँ पर वाउचर ट्रांजेक्शन पर। ठीक है, चलिए मैं वाउचर ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, ये मैं रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे ऐड ऑप्शन पर। ये देखिए, मैं ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये रिसिप्ट वाउचर बनाने के पहले मेरे पुराने वीडियोस देख के आप पूरी सारी प्रोसेस कर लें, उसके बाद ही यहाँ रिसिप्ट वाउचर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए सारे वीडियोस आप मेरे पुराने जरूर देख लें, उसके बाद ही इस स्टेज पर आ पाएंगे, है ना। तो क्रिएट रिसिप्ट वाउचर यहाँ दोस्तों आ गया है, ये हम मेकर लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं। अब इसका रिसिप्ट टाइप तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों देखिएगा रिसिप्ट अंडर, यहाँ दोस्तों अभी तक क्या होता था, हम 14 फाइनेंस कमीशन के लिए यहाँ क्लिक करते थे अदर रिसोर्सेज पर, ये जैसे क्लिक करते तो स्कीम नेम आ जाता था, हम फिर कहाँ क्लिक करते थे, यहाँ 14 फाइनेंस कमीशन। लेकिन दोस्तों, अब ये याद रखिएगा कि जो रिसिप्ट अंडर लिखा है, तो हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो स्कीम्स के अंतर्गत आएगा। तो हमें कहाँ क्लिक करना होगा, स्कीम्स पर। ये देखिए, मैंने स्कीम्स पर क्लिक किया। अभी हम मेकर लॉगिन से लॉगिन किए हुए हैं, हम रिसिप्ट अंडर पर स्कीम्स पर क्लिक किया, तो स्कीम नेम में ये देखिए यहाँ पर XV फाइनेंस कमीशन, XVFC मतलब 15 फाइनेंस कमीशन XVFC आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर 15 फाइनेंस कमीशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन के लिए स्कीम्स पर क्लिक करना है, 14 के लिए अदर रिसोर्सेज पर। तो 15 फाइनेंस पर कर रहे हैं हम, तो स्कीम्स पर क्लिक कर लिया, यहाँ 15 फाइनेंस कमीशन आ गया XVFC। मनी रिसिप्ट नंबर डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मनी रिसिप्ट नंबर जो है कंपलसरी है, नहीं है नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने यहाँ जो NEFT से हमारे पास रिसिप्ट वाउचर जो रिसीव आई हुई है राशि 15 वित्त आयोग की, तो उसके आखिरी के 6 या 7 अंक लिख दिए, तो 7 अंक लिख दिए दोस्तों यहाँ पर।
आखिरी के जो एनईएफटी के नंबर है। वाउचर डेट लिखना है दोस्तों, तो वाउचर डेट आपको पता ही है, वाउचर डेट प्रेजेंट डेट की बनेगी, क्योंकि यदि हमने पिछली तारीख जो डे बुक क्लोज कर चुके हैं, जैसे मैंने कल तक डे बुक क्लोज कर चुका हूँ, तो वाउचर डेट कब बनेगा, आज की डेट में ही। तो मैं आज की डेट में दोस्तों वाउचर यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे आज 24 डेट है, तो 24/8/2020, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे स्कीम कंपोनेंट में, चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ बॉक्स पर क्लिक किया, लिखा आ गया स्मार्ट सर्च ड्रॉप डाउन सर्च, हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन सर्च पर। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट अकाउंट हेड, चलिए यहाँ क्लिक किया, तो अभी हमें दोस्तों ये ध्यान से क्लिक करिएगा, हमें क्लिक करना है बेसिक ग्रांट अनटाइड, ठीक है, बेसिक ग्रांट अनटाइड, चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने क्लिक कर दिया, मेजर हेड आ गया, चलिए मैं सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ सारे ऑप्शन आते हैं, तो इसमें हमें क्लिक करना है यहाँ पर 1601 1601 ग्रांट्स इन हेड, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें माइनर हेड पर क्लिक करना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट एक ही आ रहा है, तो 101 ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमने क्लिक कर दिया। फिर हम जाएंगे ऑब्जेक्ट हेड पर, तो यहाँ दोस्तों 17 पर क्लिक करना है ग्रांट्स इन हेड। फिर अमाउंट इन रुपीस, दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आया है वो डालना है, ठीक है दोस्तों, ये अमाउंट इन रुपीज़ ध्यान से डाल दीजिएगा, जो मैंने डाल चुका हूँ यहाँ पर, मेरी ग्राम पंचायत में जो राशि आई है 15 फाइनेंस कमीशन की 15 तारीख की, वो डाल दी है। अब मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया है, अमाउंट इन रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ आ गया है। अब रिसिप्ट फॉर्म पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, हमें क्लिक करना है रिसिप्ट इन, रिसिप्ट इन में हम क्या करेंगे, ये हमारे यहाँ हम क्लिक करेंगे बैंक ऑप्शन पर, ठीक है, रिसिप्ट इन में बैंक, तो ये बैंक पर क्लिक किया, चूँकि हमारे पंचायत खाते में आई है राशि, तो बैंक पर क्लिक कर दिया। अकाउंट नंबर, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये अकाउंट नंबर भी आ चुका है दोस्तों, ये तभी आएगा जब आप मेरे पुराने वीडियोस देखकर पूरी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ही यहाँ ये अकाउंट नंबर भी शो होगा। तो अकाउंट नंबर दोस्तों ये आ गया है, चूँकि मेरा तो एग्जिस्टिंग अकाउंट ही है, पुराना अकाउंट जिसमें सारी जुड़ना पैसा आ रहा है, उसी में 15 फाइनेंस कमीशन का भी पैसा आया है। यदि आपके यहाँ न्यू अकाउंट खुला है दोस्तों, तो जो मैंने पुरानी वीडियोस में प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस देख के आप पूरा काम करेंगे, तो यहाँ आपका न्यू अकाउंट आएगा दोस्तों 15 तारीख को, यदि आपने न्यू अकाउंट खुलाया है, नया अकाउंट खुलाया है, तो यहाँ पर नया अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मेरे अकाउंट नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये क्लिक कर दिया अकाउंट नंबर। रिसिप्ट डिटेल्स, चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये किस में होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है लेटर एडवाइस, लेटर एडवाइस दोस्तों, लेटर एडवाइस को ही एनईएफटी या आरटीजीएस भी कहते हैं, इसलिए हम किस पर क्लिक करेंगे, लेटर एडवाइस पर, ये देखिए मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों क्या होगा, लेटर एडवाइस नंबर, तो हमें क्या करना है, जो हमारी एनईएफटी है उसके आखिरी के 6 अंक यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं हमारी एनईएफटी के आखिरी के 6 अंक डाल देता हूँ यहाँ पर, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि पहले 6 नंबर चलता था, अब हम एनईएफटी के आखिरी के 6 नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। लेटर एडवाइस डेट, तो जिस दिनांक को हमारे खाते में राशि एंटर हुई है वो हम यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, जैसे ये मेरे 6 अगस्त को एंटर हुई है 6/8/2020, तो मैं यहाँ डाल दूंगा 6/8/2020, ठीक है दोस्तों, ये लेटर एडवाइस डेट डाल दिया। पर्टिकुलर्स, हम पर्टिकुलर्स पूरा साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर्टिकुलर्स में बिल्कुल साफ साफ लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया एक्सवी, मतलब आपको पता ही है 15 होगा, 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल साफ साफ आप ये लिख देंगे एक्सवी फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड, 15 फाइनेंस कमीशन बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड, ठीक है दोस्तों। ये हमने पूरी प्रोसेस कर ली क्रिएट रिसिप्ट वाउचर की, ये हम मेकर लॉगिन से 15 वित्त आयोग का 15 फाइनेंस कमीशन का रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस कर ली दोस्तों। अब हम कहाँ क्लिक करेंगे, फ्रीज ऑप्शन पर, ठीक है, हम सीधे फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चलिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ साफ साफ लिखा गया वाउचर नंबर XVFC 2020-21 R2 सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आ गया कि जो वाउचर नंबर है XV मतलब 15th फाइनेंस कमीशन XVFC आवलिक 2020-21 आवलिक R मतलब रिसिप्ट आवलिक 2 सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो रिसिप्ट वाउचर है वो मेकर लॉगिन से 15 वित्त आयोग का मतलब 15 फाइनेंस कमीशन का सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब दोस्तों हम ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब हम वापस होम स्क्रीन पर चले जाते हैं, तो ठीक है दोस्तों,
आपने इसमें पुराने वीडियोस देख के, मान लीजिए आपने एडमिन लॉगिन से भी रिसिप्ट वाउचर बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेकर लॉगिन से जरूर रिसिप्ट वाउचर बना के रख लीजिए, क्योंकि हमें जब पेमेंट भी करना होगा तो वो हम किससे करेंगे, मेकर लॉगिन से, इसलिए हमारे मेकर लॉगिन में रिसिप्ट वाउचर भी बना हुआ होना चाहिए। अब और मैं आपको थोड़े ही दिन में आपको वो वीडियो बना के दे रहा हूँ, यदि आपने किसी योजना का यदि गलत रिसिप्ट वाउचर बना लिया है तो उसको किस प्रकार से कैंसिल किया जाए या उसको किस प्रकार से निरस्त किया जाए, ठीक है दोस्तों। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जो रिसिप्ट वाउचर है वो मेकर लॉगिन से 15 फाइनेंस कमीशन का 15 वित्त आयोग का बना लीजिए, जो ये मैंने प्रोसेस बताई है इस तरह से बिल्कुल बना लीजिए, और हम फिर आगे में इसको आपको पेमेंट वाउचर बनाने की भी विधि अगले वीडियो में दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, और दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सबको प्रत्येक नए अपडेट और प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आज हमने यह सीख लिया कि किस प्रकार से मेकर लॉगिन से ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15 फाइनेंस कमीशन मतलब 15वें वित्त आयोग की जो राशि आई है उसका रिसिप्ट वाउचर बनाया जाए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।